आपको बता दें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने रोड शो के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश गोयल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बताया गया कि केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला शख्स उनसे नाराज था। नई दिल्ली लोकसभा सीट के मोतीनगर इलाके में ये घटना तब हुई जब वो खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो कर आम आदमी के पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे थे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोड शो के दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ जड़ा गया। और साथ ही आपको बता दें कि आप पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। और साथ ही सीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए यह भी कहा गया कि यह घटना विपक्ष ने करवाई है। अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक शख्स ने जमकर थप्पड़ जड़ दिया और ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये घटना किस तरह से घटित हुई और आपने इसे सीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए कहा कि ये विपक्ष की ओर से एक घटना की गई है जानबूझकर, यानी कि साफ तौर पर आपने भाजपा पर आरोप लगाया।